नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आज मैं फिर से आया हूँ आपको जगाने, आपको बताने कि आपके साथ नाइंसाफी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि उनके साथ गलत हो भी रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ गलत हो रहा है। अब गलत कैसे हो रहा है, देखो CUET UG का फॉर्म डाले, जिन बच्चों ने फर्स्ट लॉट का फॉर्म भरा उनको देना पड़ा 600 रुपये, जिन्होंने दोनों भरा उन्हें देना पड़ा उसका डबल। अब ऐसे में अगर मैं मानूं कि 15 लाख बच्चों में, क्योंकि फॉर्म तो भाई सबने भरा है ना, पेमेंट तो सबका लिए हैं ये लोग, ऐसा तो है नहीं कि 60% बच्चों जो अटेंडेंस दिए हैं बस उन्हीं का फॉर्म पैसा लिए हैं, तो 15 लाख जो बच्चे फॉर्म भरे हैं उससे ज़्यादा ही भरे हुए इनके पास। और ऐसे में उन बच्चों का लगभग अगर मैं एवरेज फीस लूँ, यानी डबल और हाफ पेमेंट का एवरेज ले लूँ, मान लो 900 ही लेता हूँ, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो 15 लाख में कितना आता है, 100 करोड़ से कम नहीं आएगा। तो यानी बस CUET UG के नाम पे 100 करोड़ की कमाई। ठीक है, उसमें इन्होंने कुछ काम भी कराए हैं, आप काम को देखे ही होंगे कितना बेहतर तरीके से कराए हैं, कितनी जर्जर स्थिति रही है आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो 100 करोड़ का कमाई मुझे लग रहा है वो कम था, जिसकी वजह से आपके पेपर अच्छे से नहीं कराए जा सके। मुझे लगता है कम से कम इनको दान के तौर पर 150 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना चाहिए था, वो कमी अब पूरी की जा रही है। कैसे, अब इसको देखो, JMI ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाला, उसके लिए उन्होंने फिर से मुझे लग रहा है 500 रुपये लिए कैटेगरी वाइज। उसके बाद कल देर रात दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपना सीट एलोकेशन पोर्टल ओपन कर दिया, यानी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया। अब ये वहाँ पे ले रहे हैं 250 रुपये जनरल OBC EWS, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 150 या 100 रुपये कुछ ऐसा है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, इनका जब आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग इनका भी आसपास, समझ रहे हो मेरी बात। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो 2 यूनिवर्सिटी हुआ है, फ्यूचर में और भी यूनिवर्सिटी आ सकती हैं। अगर वो भी ऐसे 150 150 150, वैसे तो ये मतलब भीख मांगने वाली ही चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ी रकम ये इकट्ठा कर रहे हैं। और एक बात बताओ कि आखिर CUET बनाया क्यों गया था। CUET बनाया गया था कि एक गेटवे होगा एग्जाम का, जाहिर सी बात है बच्चों को इस गेटवे से ज़्यादा फायदा इसलिए था कि उनको अलग अलग फॉर्म भर के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा फायदा तो बच्चों, क्योंकि हमारे लिए फायदा तो यही है ना भाई, पैसा मैटर करता है। अब अगर CUET आया, 600 रुपये वहां दे रहे हो, 500 रुपये इस यूनिवर्सिटी को दो, 250 इसको दे दो, 150 इसको दे दो, अगर कोई यूनिवर्सिटी अगर कोई बच्चा 6 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करा रहा है, फिर तो भाई लुट गया वो। मतलब जहां वो बच्चा किसी पहले से चूजे यूनिवर्सिटी होती थी ना भाई, जब सिंगल फॉर्म था, जब CUET नहीं था, तो फिक्स था कि चलो हम 2-3 यूनिवर्सिटी में डाल देंगे, बात खत्म। मेंटली वो प्रिपेयर रहता था, मुझे यही जाना है। अभी आपने इतने गेटवे ओपन कर दिए, अच्छी बात है, CUET का गेटवे ओपन हुआ बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप यानी UGC, क्योंकि आप पूरे यूनिवर्सिटी के दाता हो, आप ही सबके एक तरह से दादा हो, तो भाई आप जब दादा हो तो आपके रूल बनाना चाहिए कि बाकी यूनिवर्सिटी जो है वो पैसा नहीं लेगा, हम लोगों ने जो पैसा कमाया है उसी में हम लोग 50-20-30% करके बांट लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। भाई आपने 100 रुपये कमाया तो 50 रुपये उसको भी दो, 10 रुपये उसको भी दो, पूरा पैसा कमा के आप अपने पास रख लिए। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना पैसा कमाना है, JMI को अपना पैसा कमाना है, इन फ्यूचर बाकी यूनिवर्सिटीज भी ऐसे ही पैसे कमाएंगे, आप तो अपना अलग अलग पैसे कमा रहे हो, लेकिन ये बताओ ना बच्चा कितने को पैसा देगा, क्योंकि आप तो अलग अलग बच्चों से पैसा नहीं मांग रहे हो ना, आप तो एक ही बच्चे से पैसे मांगते चले जा रहे हो। अब बच्चा 600 रुपये वहां देगा, 500 उधर देगा, 200 उधर देगा, काउंट कर लो कितना रुपए हो रहा है। अगर वो इस तरीके से 5-5 यूनिवर्सिटी में भी डाल दे, अगर आप 300 के भी रेट से लो, तो फिर अच्छा खासा 2-3 हज़ार रुपये तो आराम से दे देगा। फिर कहां फायदा हुआ, CUET का कहां फायदा नजर आ रहा है बताओ मुझे। अभी इसके बाद भी कहानी नहीं रुकेगी, इसके बाद भी मुझे लगता है कहीं कहीं पे तो सीट लॉक करने के पैसे ना लेने लगे, ले सकते हैं, आपने आंसर की गलत करके फिर उसमें पैसे तो लिए ही ना, 200 रुपये कितना पैसा ये भाई, मुझे लग रहा है इसका थंबनेल पैसा पैसा करती है पैसे, ये वाला गाना लगा देना चाहिए। तो यही हाल हो रहा है यहाँ पे, पैसे पे लोग मरे जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब इतना पैसा ले रहे हो भाई, अजीब हाल है। मतलब ट्विटर का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके रिट्वीट मारना हमेशा की तरह, ठीक है। इनको पता चलना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो। होपफुली कुछ विद्वान लोग हैं इस पे एक्शन लें, होपफुली कुछ विद्वान लोग इसके सपोर्ट में आए, होपफुली कि हमें इसका एक जस्टिस मिल जाए।
लेकिन ये गलत हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। इतना पैसा नहीं लेना चाहिए जबकि हम लोग 12वीं से निकले हैं, ना हमारे हाथ में कुछ, क्योंकि उन बच्चों के साथ सोचो ना जिनके फॉर्म भरवाए गए और उनके इतने पैसे लेने के बाद उन्हें घंटा कोई कॉलेज में कोई सीट नहीं मिलेगी। मजा तो उनके साथ होने वाला है और ऐसा ही होने वाला है क्योंकि सबको सीट तो देने वाले नहीं है, वो कहाँ मिलने वाला भाई, उतने कॉलेज उतनी सीट होनी चाहिए इनके पास। तो उनके साथ बड़ा बड़ा अन्याय होने वाला है। फ्री का कमाई हर साल बैठे बैठे खतरनाक वाला बिजनेस चल, सही है बहुत, मतलब ये बड़ा सेफ वाला ये वो है, सेम मतलब इमोशंस के साथ खेल के पैसा कमाना, सही है, बढ़िया है। ट्विटर का लिंक डाल दिए हैं, अगर आपको लगे कि आपके साथ गलत हुआ है तो रीट्वीट मार देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ चादर ओढ़ के, क्या चल रहा है अब तो जो बिगड़ गया बिगड़ ही रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एवरीवन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एक्शन ले लेना, ठीक है, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, खुश रहिए।